How to fix Samsung M31 USB tethering not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा USB tethering के बारे में. अगर आपका USB tethering जो है काम नहीं कर रहा है कि तो कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, तो मैं आपको इसी के रिलेटेड पे सॉल्यूशन देने वाला हूँ. तो अगर आपको जो है USB से मान लीजिए आपको कोई लैपटॉप में PC में ठीक है इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा USB tethering. अगर काम नहीं कर रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए. ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा. चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, अगर USB tethering काम नहीं करते तो सबसे पहले आपका इंटरनेट चेक करें और मोबाइल को रिस्टार्ट करें. ठीक है, पावर बटन पे प्रेस एंड होल्ड करें और उसके बाद यहाँ से आप रिस्टार्ट कर सकते हैं. तो ये कर लेने के बाद आप सिंपली जाइए अपने डिवाइस के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करना है, जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद रिसेट पे क्लिक करके रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके आपको सिम सेलेक्ट करना है और रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड दे देना है और रिसेट करना है. ठीक है, उसके बाद आपका जो सेटिंग है वो होगा कनेक्शन के अंदर पे. इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ रिसेट कीजिए. ठीक है, एंड देन आपको मिलेगा यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट टेटरिंग. तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले डेवलपर ऑप्शन पे जाइए और डेवलपर ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको USB टेटरिंग इनेबल कर लेना है. ठीक है, डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, USB टेटरिंग को ऑन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप बेक कीजिए. बेक करने के बाद दोस्तों आप कनेक्शन पे जाइए और ऑन कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ टेटरिंग. ओके, ब्लूटूथ नहीं, USB टेटरिंग यहाँ पे है. तो अभी क्या करना है आपको डेटा केबल लेके अपने PC लैपटॉप जो भी है उसमें कनेक्ट करना है और उसके बाद अपने मोबाइल पे कनेक्ट कर लेना है. जैसे ही कनेक्ट होगा आपका USB टेटरिंग ऑन हो जाएगा. शेयरिंग दिस फोन इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे ये बता रहा है, यानी कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कनेक्ट हो चुका है आपके PC पर. ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे PC है उसमें कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी और नेटवर्क यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, तो आप भी दोस्तों ट्राई करके देखें तो आप भी दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो बस इस तरीके से आप USB tethering के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं. तो मैं इसको अभी के लिए बंद कर दे रहा हूँ. बाई एनी चांस दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो करना है. उसके लिए आप सिंपली जाएंगे अपने मोबाइल पे, उसके बाद आप जाएंगे जनरल. ओके, पहले आप जाइए सॉफ्टवेयर अपडेट पर और जाके अपने डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर लीजिए. उसको अपडेट करने के बाद दोस्तों सही तरीके से आपको USB tethering यूज़ करना है. ठीक है, USB tethering को अच्छी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको यूज़ करना है तो बहुत आसानी से आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स्ड आप कर सकते हैं. तो इस प्रकार से दोस्तों फिक्स होगा आपका ये प्रॉब्लम. अगर दोस्तों आपके जो PC है या फिर आपके जो लैपटॉप है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आसानी हो जाएगा आपका जो यहाँ पे USB tethering है वो कनेक्ट होने के लिए. लेकिन अगर मान लीजिए आपके PC के सॉफ्टवेयर, ठीक है, विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट वगैरह चाहिए तो अपडेट वगैरह कर दीजिए दोस्तों. हो सकते हैं आपके फ़ोन पे नहीं उस PC में प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो आप दोस्तों सिंपली चेक करके देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कीजिए अपने PC का और उसके बाद जाके आप कनेक्ट कीजिए तो आपका प्रॉब्लम कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा. तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपली फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को. तो USB tethering के साथ ही साथ दोस्तों आप ब्लूटूथ tethering भी कर सकते हैं, हॉटस्पॉट से भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने हॉटस्पॉट नहीं लगाया है अपने PC पर तो आपके पास दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो कि USB tethering. ठीक है, तो USB tethering या फिर ब्लूटूथ tethering भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए दोस्तों आपके पास कई सारे ऑप्शन है. ठीक है, तो आप वो भी यूज़ करके देख सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा. इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके बता सकते हैं, कमेंट पर बता सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट है वो मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.